हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम लोग आए हुए हैं एक्सपो सिटी। बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक ऑफिशियल काम के लिए आए थे, लेकिन वो ऑफिशियल काम हम लोगों को मिल रहा नहीं है कि कहाँ करना है। सो वी आर लॉस्ट एंड द टीम, वो आगे जा रहे हैं सारे लोग और मैं पीछे हूँ। एंड हवा चल रही है, गर्मी है, पर अच्छा लग रहा है एक्सपो सिटी में पहली दफ़ा आके। इतने सारे मंथ्स हो गए हैं यूएई में, लेकिन अब तक मैं एक्सपो सिटी नहीं आई, ग्लोबल विलेज नहीं घूमा, बुर्ज खलीफा तक नहीं देखा, दुबई मॉल तक नहीं देखा। और आज खैर काम के चक्कर में मैं आई हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लूँगी, लेकिन अदरवाइज लिटरली अपने घूमने फिरने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा काम की वजह से। बट चलो, काम के बहाने अगर हम घूम लें तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? ये चेक करें, आई लाइक इट। अच्छी हवा चल रही है। आई एम नॉट इन द प्रोफेशनल अटायर एट ऑल। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू वेयर अ सूट, लेकिन मैंने सूट नहीं पहना, आई डोंट नो व्हाई। हाय गाइस, फोकस ही नहीं हो रहा किसी पे। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Script mujhe mil gayi hai, hum logo ne banani hai ek video basically Expo City mein aake, theek hai? Aur ye red wali lines hai, ye maine bol di hai. So basically the property that we're trying to sell is for 1.37 million dirhams. 1.37 million dirhams. And I really wanna know, really wanna know. Don't. जिंदगी में ना ऑलमोस्ट हर काम करके ट्राई कर लिया, ठीक है? लास्ट ये काम रह गया था कि मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दूँ लिटरली। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई इट। सो टुडे वी आर एक्चुअली शूटिंग एन एड दैट वी हैव टू यूज़ फॉर आर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। सो हमारे जो वीडियोग्राफर हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरी थोड़ी कम लाइन्स हैं इसके बीच में, एंड प्रिटी ईजी। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइसिंग एंड ऑल, एंड देन वील गो टू ईट समथिंग। लेट्स सी, बाकी सारी टीम कहाँ है, आई डोंट नो, गायब हो गए हैं कहीं, बट वी आर हियर टू शूट आर पार्ट। हेलो जी, हम लोग जा रहे हैं वापस, हम लोग का काम हो गया है और हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं टैक्सी में। मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। कैमरा मैन ने कैमरा पकड़ा हुआ है। बहुत अंधेरा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लो है मोबाइल की। मैं भी पता, लेकिन एक्सपो सिटी वाज रियली गुड। अभी हम कहीं कुछ खाने जा रहे हैं और हमारी पूरी टीम सारी इधर बैठी हुई है। यू कैन से आई लॉस्ट माय माइंड, आई विल कीप ऑन होल्डिंग माय हेड हाई even if the sky is falling down. आप लोगों को पता है इस लड़के को ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग करना ही बहुत ही शिटी काम है। तुमने बोला है? You just said it. मैंने जैसे ही कैमरा नीचे रखा इसलिए बुलशिट। बकवास कर रही है खुदाई की, सुन, she is uttering shit out of her mind. Shit. आवाज़ें निकालना जरूरी है। गंदा वो है जी, रशिया पवेलियन। और ये है स्पेनिश लैटिन। या, और हम हैं पाकिस्तानी। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। सबको स्कीम बता दे। आई सेड लुक्स रियली नाइस। बोले क्या रशियन? दिस इज द रशियन पवेलियन, है ना? रशियन 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 स्टाइल रशियन। इतने लॉन्ग डे के बाद जब मैं घर आई ना, मेरा दिल किया कि एक मजेदार चिकन शोरबा का सालन हो जाए। भाई ये जी शोरबा है चिकन का,
और ये हुस्ना के लिए थे जी, जो हुस्ना ने खाए भी नहीं है, ठीक yes. है अभी हुस्ना खाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके Man. और उसके बाद शमास गया हुआ था पाकिस्तान और मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी शमास के हाथ आपने मेरे लिए बिरयानी बना के भिजवानी है और आपने मेरे लिए चॉकलेट कुकीज बना के भिजवानी है और अम्मी ने मज़ेदार बिरयानी और चॉकलेट कुकीज़ बना के भिजवाई जिस पे शमास ने मेरे साथ इतना सीरियस प्रैंक किया। उसने बोला कि यार कुकीज़ मुझे लाने नहीं दे रहे, ठीक है एयरपोर्ट पे मैंने दे दिए। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ सारा टाइम, बट ही एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, कहता है कि यार अम्मी ने बना के भेजी है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इनको कहीं इधर उधर होने दूँ। सो अभी तक मैं उन कुकीज़ को संभाल संभाल के खा रही हूँ कि ज़्यादा जल्दी मैं उनको ख़त्म ना कर दूँ। सुपर यम्मी। इस दलील इंसान ने अम्मी मुझसे झूठ बोला है के पकड़ी गई हैं रास्ते में, मैं वो आर्मी वालों ने मुझे पूछा है रोक रोक के, और अभी मुझे मिली है मेरी कुकीज़ और मैं खा रही हूँ। नहुसत ज़्यादा, थैंक यू। हुस्ना के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे, ठीक है अम्मी ने ईद के मेरे कपड़े बना के भिजवाए और हुस्ना के लिए भी बहुत से गिफ्ट्स वगैरह भिजवाए और हुस्ना उनको देख के बहुत एक्साइटेड थी। हुस्ना इज़ सो हैप्पी। प्लीज मम्मा को कब्र में नहीं डालना और ना उनको हेल्दी लाइफ दें, अच्छी लाइफ दें, बिग बिग लाइफ दें। और सुबह मोहम्मद रसूल अल्लाह आमीन। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने फर्स्ट बाइट लिया ना बिरयानी का, मुझे इतना रोना आया मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लाइक मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पास्ट में चली गई हूँ, फ्राइडे है अम्मी ने बिरयानी बनाई हुई और मैं वो खा रही हूँ। लिटरली इट हैज़ बीन लाइक आई थिंक अराउंड 6 months कि मैंने अम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया। एंड आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इस बात को कि यार जब आप बहुत अरसे बाद अम्मी के हाथ का खाना खाते हो तो यू गो इन टू अ वेरी वेरी डिफरेंट प्लेस। मतलब लाइक इट्स इमोशनल, इट वॉज रियली रियली इमोशनल फॉर मी। और मैं अम्मी ने बोला था कि शमाइला जब खाओगी तो मुझे ज़रा बताना ना अपना रिएक्शन कि तुम्हें कैसी लगी है ना इतने दिनों बाद खा के तो क्या होता है। मैंने उसको रिकॉर्ड किया था व्हाट्सएप पे अम्मी को भेजने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, आई शुड ऑल्सो शेयर माई फीलिंग्स, माई जेन्युइन फीलिंग्स एंड रिएक्शन विद यू गाइस। सो हियर इट इज। अभी बेसिकली सीन ये है कि ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि मेरे पास डेली व्लॉगिंग का टाइम नहीं है, इनफैक्ट वीकली व्लॉगिंग का भी टाइम नहीं है। लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्टे एज एक्टिव एज आई कैन टू शो यू गाइस द थिंग्स दैट आई डू। सो इसलिए मेरी वीडियोज़ जो हैं वो बिट्स एंड पीसेज में होती हैं, आई कंपाइल दैम एंड इट बिकम्स अ व्लॉग, दैट्स ऑल। सो आई होप यू ऑल लाइक दैम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आएँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू गाइस वांट टू वॉच अ स्पेसिफिक ब्लॉग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।